हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। और लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के वजह से आज हम बात करेंगे दिसपुर कॉलेज के बारे में। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। गूगल में जाके दिसपुर कॉलेज सर्च करने से आप सभी को ये ऑफिशियल वेबसाइट dispurcollege.ac.in दिखेगा। तो इसको आप ओपन करते ही एक ऑफिशियल नोटिस दिखेगा। तो ये नोटिस है एडमिशन के लिए 2023-24 साल का, जो भी आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। तो सभी लोग ध्यान से सुनो, HS फर्स्ट ईयर का जो आर्ट्स एंड कॉमर्स ही है यहाँ पे सिर्फ दिसपुर कॉलेज में, तो ये 9 जून को ख़त्म हो चुका है लास्ट डेट। अगर एक्सटेंड कर दिया गया है तो मैं न्यूज़ आप लोगों को बता दूंगी। पर आप लोगों का डेट दिया गया है एडमिशन का 13 तारीख से लेकर 15 जून तक। BA फर्स्ट सेमेस्टर, BCom फर्स्ट सेमेस्टर और BBA BCA फर्स्ट सेमेस्टर का 18 जून लास्ट डेट दिया गया है, पर एडमिशन डेट अलग है। BA फर्स्ट सेमेस्टर का 23 जून को आप लोगों को एडमिशन लेने जाना होगा और 22 जून को जाना होगा जिनका BBA BCA फर्स्ट सेमेस्टर है। 24 तारीख को जाना होगा BCom फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेक्शन ए एंड बी शिफ्ट में लेना चाहते हैं, और जो आफ्टरनून शिफ्ट में लेंगे उनके लिए 26 जून को बुलाया जाएगा। तो एडमिशन विल बी कंडक्टेड एज पर NEP 2020, जो आप सभी को पता ही है। इस बार से आप लोगों का जो UG प्रोग्राम है 4 साल का कोर्स होने वाला है, तो एक साल आप लोगों का बढ़ गया है, हम लोग का टाइम में 3 साल का कोर्स था। और इस बार से NEP 2020 लागू होगा, तो आप सभी को पहले 3 साल का जो UG प्रोग्राम था आप लोगों को अभी से 4 साल का कोर्स पढ़ना होगा। फिर आप लोगों को 11/6/2023 से, मतलब 11 तारीख से, कल से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फॉर BA BCom BBA एंड BCA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी HS पास कर रहे हो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिनको भी लेने का मन है ये अभी मिस नहीं होगा उनसे। फीस स्ट्रक्चर एंड रिजर्वेशन गवर्नमेंट के तरफ से जैसे दिया जाएगा रूल्स रेगुलेशंस, वो उसी से होगा। मेरिट लिस्ट BA BCom का एक बात सुन लो, पूरा का पूरा मेरिट बेसिस पे होगा और आप लोगों का कॉलेज में ये मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। HS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए दर्पण पोर्टल में जाके एक ARN एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने होंगे, देन आप सभी लोग अप्लाई कर पाओगे कॉलेज वेबसाइट में आकर। क्योंकि रेगुलर क्लास 1 अगस्त से स्टार्ट होता है, तो आप सभी का एडमिशन का ये जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। तो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।